थोड़ा कैमरा मैन दिखाएंगे ये तस्वीर। ये देखिए फाटक लगा हुआ है, इसके बावजूद जो हमारे बिहार के शिक्षित लोग हैं फाटक क्रॉस करके आ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। ये अभी फाटक लगी हुई है, आप कैसे आए, अंदर से आए? वायदे भी आप आ रहे होते अगर ट्रेन आ गई होती तो। ये तो देख के हम जाए वे रहे कर... गलती है कि नहीं, नियम का पालन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पालन तो समय से पहले स्वर्गवास नहीं ना होना है भाई साहब, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए और भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी तस्वीर जो हम आपको दिखाएंगे कि ये जो कुछ लोग होते हैं ये फाटक को क्रॉस करके जाते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा आप आ जाएंगे अंदर से। और रेलवे की सरकार को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा सा दिमाग देना चाहूँगा। बिहारियों के पास इतना दिमाग है कि अगर रेलवे की सरकार थोड़ा ले भी ले तो बहुत दिमाग हम लोग के पास बच जाएगा। ये देखिए अभी हम मौजूद हैं बिहार राज्य के गया जिले में, और ये एक छोटा सा बंधुआ स्टेशन है, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं दो ठो पोल लगाया गया है, क्योंकि ट्रेन अभी आने वाली है इसलिए यहाँ पे लंबी कतार वाली जाम लगेगी। स्टेशन छोटा सा है लेकिन दिन भर में मुश्किल से हमको लगता है कि 3 से 4 घंटे ये बंद ही रहता है। वायदे भी अगर कोई एम्बुलेंस आ गया, कोई इमरजेंसी मरीज होगा तो फंसेगा, और उसे अगर कुछ होता है तो उसका कोई रिस्क नहीं लेता है, सरकार भी अपना हाथ खड़ा कर देगी। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये देखिए एक छोटा सा केबिन बनाया हुआ है, आप थोड़ा दिखाएंगे कैमरामैन, लोहे से पूरा घेरा हुआ है, इसके अंदर बुलेट भी लगा हुआ है। बुलेट सरकार दिया है या फिर कर्मचारी लाए हैं हमको नहीं मालूम है। सरकार इसके पीछे कितना पैसा खर्चा की होगी, यहाँ 2 से 3 कर्मचारी होंगे, उनके मंथली का जो भी पैसा देते होंगे उसका खर्चा, रेलवे केबिन का खर्चा, ये दो ठो पोल गढ़ने का खर्चा, और भी ऐसी बहुत सारी खर्चा है जो यहाँ पर सरकार कर रही है। थोड़ा सा बस इतनी सा खर्चा और करके अगर यहाँ पे एक ओवर ब्रिज बना देते तो ये जितने लोग यहाँ पे खड़ी हैं उनको दिक्कत नहीं होती, चाहे वो अगर एम्बुलेंस आता, चाहे इमरजेंसी काम में लोग फंसे होते। देखिए एक बस फंसा हुआ है, उस बस में कितने राहगीर बैठे होंगे, किनको कहाँ जाना है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ट्रेन आएगी और कब हम लोग निकलेंगे। अब देखिए होता क्या है कि कभी जब एक ट्रेन जब क्रॉस के यहाँ जब एक ट्रेन आई जब क्रॉस कर जाएगी तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, ट्रेनवा तो क्रॉस कर गई हम लोग निकलेंगे, गाड़ी चालू किए हॉर्न दबा रहे हैं, फिर पता चला कि दूसरा ट्रेन आने वाला तो सबका हवास गुम हो जाता है, फिर गाड़ी बंद करके खड़ा हो जाते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे इतनी सी नहीं बनती, बात है कि अगर कोई इमरजेंसी काम से लोग जा रहे होते हैं और आधे घंटे अगर फंस गए तो उनकी क्या स्थिति होगी। देखिए यहाँ पे मौजूद कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। आइए देखिए साइकिल वाले से बात करते हैं। चाचा थोड़ा सोच रहे होंगे कि हम कूद के चले जाएँ, लेकिन जाने में बन नहीं रहा है, लेकिन सब देखिए ट्रेन भी आ रही है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम क्या हुआ? मेरा नाम लालधारी राजा। कहाँ घर हुआ? परोरिया हुआ। कहने जा रहा चाचा? जा रहे हैं जन वितरण प्रणाली में। अच्छा, मन कर रहा है कि नहीं कि तरह का घुस के निकल जाए? कर रहा है लेकिन प्रतिबंध लगा हुआ है ना सर। एक आवाज दो बार निकले हैं कि नहीं? निकले हैं कि नहीं? बहुत पहले निकले कि कैमरा कि हमने के देख के लगता है। अच्छा मतलब आप बुजुर्ग हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? हम मैट्रिकुलेट किए हैं। मैट्रिक किए हुए हैं। बहुत सारे युवा आज के हैं जो ग्रेजुएशन किए होते हैं लेकिन देखते हैं कि इसके तरह से क्रॉस कर जाते हैं, गलत है कि नहीं? गलत तो है, कानून का उल्लंघन तो है। अच्छा यहाँ पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए या नहीं? इसके लिए तो कोई रुकावट नहीं है सर, मुझे ना बनना चाहिए ना, बहुत जरूरी है। अब बहुत जरूरी भी है, मान लिया जाए कि अगर अभी एम्बुलेंस होता, सुनिए ना, हर तरह का इमरजेंसी आता है, सुनिए ना, आधा घंटा रुकना पड़ जाता है। कैमरा मैन थोड़ा आप गाड़ियों की लंबी कतार को दिखाएंगे कहाँ तक गाड़ी लग गई है। बस मतलब मुश्किल से 5 मिनट हुआ है, मेरी भी गाड़ी साइड में खड़ी है, अगर एम्बुलेंस आएगा तो उसकी क्या स्थिति होगी, अगर इमरजेंसी मरीज रहेगा तो क्या स्थिति होगी? जर जाता है इसका नहीं, इसके लिए प्रोसेस होना चाहिए। मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक है, सांसद है, कोई नहीं देखने वाला चाचा। ये तो अपना स्वार्थ बस आज पड़े हुए रहते हैं। अच्छा देश के मंत्रियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आखिर जो इतना पैसा खर्च कर रही है, केबिन बना रही है, दो दो स्टाफ रख रही है, कुछ पैसा और खर्चा करके ओवर ब्रिज बना देती, लोगों की सहायता होता होता है ना, तो देश के मंत्रियों के बारे में, नेताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कह सकते हैं मोदी जी के बारे में कुछ? मोदी जी तो कर रहे हैं सुबह देश के लिए बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, तो बात सही है, इसके लिए तो कोई कहना तो मत नहीं है सर, लेकिन ओवर ब्रिज यहाँ बनना चाहिए, है ना। तो चलिए जनता का यही सवाल है। ये देखिए ट्रेन क्रॉस क्यों नहीं कि हॉर्न बजना शुरू हो गया, एक बात बताइए, एक ट्रेन तो क्रॉस कर गया, कर गया ना, हॉर्न मारे लगे गाड़ी चालू कर दिए, दूसर का ट्रेन में आ जाएगा तब गाड़ी बंद बंद ना। चलिए तो ये देखिए ये बिहारियों का स्टाइल है, अपने अंदाज में लोग जीते हैं और हम अपने अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं। तो आप देख रहे थे मगध लाइव और मैं हूँ समर राठौर, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धूप में यहीं पे इंतजार करेंगे, जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो गाड़ी निकालेंगे चलेंगे, लेकिन कब ओवरब्रिज बनेगा ये हम नहीं जानते हैं। धन्यवाद।